बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियोस जो है मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जी आप लोगों को जो मैं फार्मूला बताने लगी हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, आपका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसमें एक दो चीज़ें जो है मैंने और ऐड की हैं। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे क्या होगा, आपके फेस पे रेडनेस नहीं होगी। जो चीज़ें हैं वो सामने आप नोट कर लें, कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। तो इसमें एक फाइज़ा है, एक एक्शन सी है, एक एमसी क्रीम है, और एक जो है गोल्डन पर्ल है, और तीन क्रीम ये वाली आरसी, मीना और ये केला। ये जो हैं ये वैसे ही फार्मूला में ऐड होती हैं। तो सिंपल सी चार क्रीम और मैं ले रही हूँ, और साथ में वही फार्मूला वाली। तो इससे क्या होगा, कोई और हार्ड क्रीम कोई भी इसमें नहीं है कि आपकी स्किन ख़राब हो या साइड इफ़ेक्ट हो। एक जो तरीका होता है, आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि मिक्सचर को कैसे बनाना होता है। जो हम पार्लर से क्रीम्स वगैरह लेते हैं उनका क्या एक तरीका होता है, उनकी मिक्सिंग होती है, उसको मिक्स कर किस तरह करते हैं, या ये चीज़ जो होती है कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल किया करें, और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कहते हैं हमने ये वैसे बना लेना है, ऐसे कर लेना है। आप एंड तक देखा करें, चीज़ को पूरा अच्छी तरह समझ के कि क्या क्या की है, किस तरह कौन सी चीज़ ऐड की है, तब आप लोग फिर वो चीज़ जो है ट्राई किया करें। तो यहाँ पर सारी क्रीम जो मैंने आपको पहले शो की थी, वो सारी मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, कि बहुत ही जो इसमें छोटे छोटे दाने वगैरह होते हैं, जो कोई क्रीम जो होती है इसमें थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इनको मिक्स बहुत अच्छे से करना पड़ता है। मैंने जब स्टार्टिंग में, अभी तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा जो है स्पीड में वीडियो को कर दिया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है, कि फिर जाके इसका जो है मिक्सचर रेडी हुआ है। तो ये आप लोग इसको अप्लाई करें, आपके एक तो फेस पे रेडनेस नहीं होगी, पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। पहले स्टार्टिंग में एक दो दफ़ा होंगे, लेकिन फिर जो है स्किन जो हमारे फेस पे पहले से ही होते हैं, हमारे फेस पे निकलने होते हैं पिंपल्स वगैरह या एक्ने हो रही है, तो वो पहले रिमूव होगी, वो जो होंगे बाहर निकल आएंगे। उसके बाद भी जो आपकी स्किन जो है फ्रेश हो जाएगी, और आप इसको अप्लाई करते रहें डेली रात के टाइम। तो इससे क्या, आपका कलर जो एक नेचुरल कलर होता है इतना रहेगा, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ओवर कलर भी नहीं होगा, और उसके बाद जो है रेडनेस तो बिल्कुल ही, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि रेडनेस तो बिल्कुल ही नहीं होगी। जो मेथड मैंने आपको बताया इसी तरह से आपने इसको बनाना है। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।